कुमार हमारे साथ अंडमान से फोन कर रहे हैं। नमस्कार लाखन, नमस्कार जी। बताइए क्या हालचाल, नमस्कार कैसा कैसा माहौल है वहां पे? जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा माहौल है मैडम। जी बताइए किस स्टॉक में जी जी खरीदारी कर रखी है लाखन? मैं SBI में खरीदारी है मैम। और ये हमारे 200 रुपये का भाव है 600 शेयर पे 200 रुपए के भाव SBI। पे 600 शेयर्स हैं। ठीक है, जी। कब तक आपको इसमें रुकना है? क्योंकि आपको मुनाफा तो तगड़ा हो रहा है, तो मुबारकबाद उसके लिए। ठीक है, थैंक यू मैम, और थैंक यू। नहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, आधा भी नहीं प्रॉफिट बुक करना चाहते? मैम, मैं रखना चाहता हूँ 3-4 साल के लिए। 3-4 साल के लिए। चलिए, मेरे ख्याल से बाइंग प्राइस आपकी बढ़िया है, 3-4 साल का समय भी आपका बहुत अच्छा है। हालांकि PSU बैंक यहाँ पे अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्नेहा, 200 रुपये की बाइंग प्राइस है, बहुत ही बढ़िया लेवल पर, और मुनाफा भी बहुत अच्छा खासा हो रहा है। ठीक है, कविता, उनका जो टाइम होराइजन है और जो काउंटर उनके पास है, जो लेवल्स उनके पास है, वो काफी बढ़िया है। तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए अभी के लिए। अगर उन्हें उन्होंने लॉन्ग किया है तो 710 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना चाहिए। किसी के भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े कॉल्स है SBI में, तो आई वुड सजेस्ट कि जब तक ये 710 को रिस्पेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग हालांकि हायर लेवल से आई है, बट अगर किसी को फ्रेश ट्रेड भी लेना है तो आज 700-710 एक अच्छा लेवल रहेगा। तो इन्हें भी एक 710 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की सलाह होगी। अपसाइड में जो एक लेवल है जहां पे मोमेंटम उसके बाद आएगा, दैट विल बी अराउंड एटलीस्ट आप देखेंगे कि 9848-45 ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर से एक मोमेंटम आने के चांसेस है। तो अभी के लिए सलाह है कि होल्ड ही करें। ठीक है, तो होल्ड करिए, 710 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाइए और आगे आपको 800 और 900 तक के लक्ष्य भी आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, तो बने रहने की आपको सलाह। गर्जे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार कैलाश, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं महाराष्ट्र बीड से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, बताइए क्या स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्री के 40 शेयर है। किस भाव पे? 540 के। ठीक है, कैलाश कितना समय और देना चाहते हैं? 1 साल के लिए मैडम। और चलिए, अच्छा नजरिया है 1 साल का। ध्वनि, लंबा नजरिया, लेकिन नियर टर्म आउटलुक जरा बताइएगा, किस स्टॉप लॉस के साथ इनको रुकना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे कविता, इनका खरीद भाव तो ऊपर का है, बट स्टॉप लॉस भी इनका डीप आ रहा है। अगर आप इनका यहाँ पे 1 साल का नजरिया भी पकड़ के चले, वीकली चार्ट के अगर अंदर आप देख रहे हैं, तो 430 का लेवल है जहाँ पर एक वापस से डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। तो 430 का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगी। आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं ऊपर की तरफ, जैसे ही स्टॉक अपस्विंग मूव देता है तो आपको वापस से 600-610 के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ध्वनि ध्वनि, इनका टाटा स्टील पर भी सवाल है, 174 इनकी बाइंग प्राइस है। जी बिल्कुल, टाटा स्टील मैं अभी बने रहने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर पे स्टॉक ने अपनी जो अहम मूविंग एवरेजेस है उनको नीचे ब्रेक करा है, और अब जो नेक्स्ट जोन जहां पर स्टॉक वापस से एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, तो आपको यहाँ पे 135 से लेके 130 के रेट्स के पास एक नेक्स्ट डिमांड जोन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है इसके अंदर करंट भाव से भी, तो टाटा स्टील से आप एग्जिट करें। ठीक है, तो टाटा स्टील से एग्जिट करने की सलाह आपको मिलती हुई।